हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम था डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो इसके हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 9th पार्ट करने वाले हैं। 9th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं विंडो फ्रेम के बारे में। तो 8th पार्ट में हमने जो थे डोर के फ्रेम के बारे में देखा था 8th पार्ट में। 9th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं विंडो फ्रेम के बारे में। तो विंडो फ्रेम हमारे पास क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं विंडो फ्रेम की। ठीक है, विंडो फ्रेम हमारे पास क्या होता है, तो इसकी अगर हम बात करें, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द विंडो फ्रेम्स। विंडो इज एन ओपनिंग इन टू द वॉल फॉर प्रोवाइडिंग डे लाइट। तो जैसे कि हमने पहले भी विंडो के बारे में डिस्कस किया था, तो विंडो क्या होता है, विंडो एक ओपनिंग होती है। ठीक है, एक ओपनिंग होती है, जैसे कि नीचे में आपको पिक्चर में दिखा भी दूंगा विंडो कैसी होती है। विंडो इज एन ओपनिंग इन टू द वॉल। ठीक है, एक वॉल में ओपनिंग अगर हम बना दें, फॉर प्रोवाइडिंग डे लाइट मतलब डे लाइट अंदर आ सके, वेंटिलेशन अंदर आ सके वेंटिलेशन। ठीक है, एंड आउटसाइड व्यू के लिए हम प्रोवाइड करते हैं विंडो को। ठीक है, 3 काम है, एक तो लाइट आने के लिए, एक तो वेंटिलेशन के लिए, और एक तो और जो बाहर का जो व्यू है वो हमें दिख सके, तो उस चीज के लिए हम विंडो को डालते हैं। ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं विंडोज के अगर हम बात करें। 1 पार्ट जो होता है विंडो का वो होता है फ्रेम, एंड दूसरा पार्ट होता है शटर। तो जैसे हमने डोर्स में देखा था, 1 पार्ट फ्रेम, दूसरा शटर होता है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। ऑल अदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ विंडो फ्रेम आर सेम एज डोर फ्रेम्स गिवन अबव। जैसे कि डोर फ्रेम के बारे में हमने देखा, तो ऐसे ही विंडो फ्रेम भी होता है। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें डे लाइट के लिए ये होता है विंडोज, वेंटिलेशन के लिए और आउटसाइड व्यू के लिए, लेकिन इसमें से हम एंट्री नहीं कर सकते, मतलब इसमें से हम अंदर बाहर आ जा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हम इसी में टॉपिक हमारे पास है फिक्सिंग ऑफ डोर एंड विंडो फ्रेम। फिक्सिंग ऑफ डोर एंड विंडो फ्रेम की अगर हम बात करें, फ्रेम्स आर फिक्स्ड इन ओपनिंग अबटिंग मसनरी आर कंक्रीट विद आयरन होल्ड फास्ट। ठीक है, तो इसको हम जो है जो कंक्रीट की मसनरी या फिर स्टोन की मसनरी वगैरह जो है उससे हम होल्ड करते हैं विद आयरन होल्ड फास्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं होल्ड फास्ट आर एम्बेडेड इन सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, जो होल्ड फास्ट हमारे पास होते हैं, आयरन के होल्ड फास्ट जो होते हैं, उसको हम एम्बेड करते हैं सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स में, जिसमें हम रेशो यूज करते हैं 1:3:6 रेशो, दैट मीन 1 सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन द मैसनरी वॉल्स। वाइल फिक्सिंग फ्रेम्स इट शुड बी इन प्लम्ब। ठीक है, जो फ्रेम्स हम फिक्स करते हैं वो प्लम्ब लाइन में होने चाहिए, दैट मीन्स हम प्लम्ब आप यूज करके उसकी वर्टिकलिटी को चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली वर्टिकल हो, लेवल हो और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो लेवल ना हो और वर्टिकल ना हो और स्ट्रेट लाइन में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो प्लम्ब लाइन में होने चाहिए, लेवल होने चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स कैन बी फिक्स्ड इन मैसनरी आइदर एट द टाइम व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस आर इन ओपनिंग लेफ्ट इन द मैसनरी फॉर फिक्सिंग द फ्रेम्स। ठीक है, तो जो भी डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हमारे पास होते हैं उनको फिक्स किया जाता है मैसनरी में। ठीक है, वर्टिकल मेंबर्स ऑफ डोर फ्रेम्स आर एम्बेडेड इन द फ्लोर। जो भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं डोर फ्रेम के, उनको हम एम्बेड करते हैं फ्लोर में। ठीक है, जो फ्लोर होता है उसमें एम्बेड करते हैं, ताकि जो डोर या फ्रेम है वो कहीं हिले ना, फॉर फुल थिकनेस ऑफ द फ्लोर फिनिश। तो ये हमारे पास विंडो फ्रेम है। ठीक है, ये विंडो फ्रेम है, इसमें 2 पार्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पार्ट बताए, एक पार्ट है हमारे पास आ जाता है फ्रेम और दूसरा पार्ट आ जाता है शटर्स। तो ये आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास फ्रेम, और ये बीच वाले जो पार्ट्स हैं ये हमारे पास शटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, विंडो फ्रेम के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। ठीक है, फिक्सचर एंड फास्टनिंग की बात हम करते हैं। फिक्सचर एंड फास्टनिंग क्या होता है तो हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको हम देख लेते हैं। फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग आर प्रोवाइडेड फॉर डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, तो ये डोर्स एंड विंडोज में हम यूज करते हैं फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग टू प्रोवाइड ऑपरेटिंग फैसिलिटीज, सिक्योरिटी फॉर डोम्स एंड ईज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये फिक्स्ड एंड फास्टिंग क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने डोर तैयार करना है, तो उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको लगाना कैसे है, उसके लिए कुछ हमारे पास फिक्स्चर्स एंड फास्टिंग होती हैं। तो वो हमें क्या करता है, ऑपरेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे पास फिक्स्चर्स एंड फास्टिंग, सिक्योरिटी फॉर रूम्स, ईज ऑफ ओपनिंग, मतलब इजिली हम उसको ओपन कर सकते हैं डोर को, तो वो हमारे पास फिक्स्चर्स की हेल्प से, देन क्लोजिंग में भी हेल्प करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फिक्स्चर्स एंड फास्टनिंग है, जैसे कि हमारे पास हिंजेस हमारे पास आ जाती हैं फिक्स्चर्स एंड फास्टनिंग में, बोल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, हैंडल्स हमारे पास आ जाते हैं, लॉक्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, फिक्स्चर्स एंड फास्टनिंग्स में आ जाते हैं। तो ये अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम डोर को जो है एक्सेस नहीं कर सकते, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते अच्छे से, उसको ओपन क्लोज नहीं कर सकते, उसमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो इसको हम वन बाई वन देखेंगे फिक्स्चर्स एंड फास्टनिंग के टाइप्स को। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हिंजेस की। ठीक है, हिंजेस हमारे पास क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप की हिंजेस हमारे पास होती हैं, इनका काम क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंजेस की। तो इस तरीके की हिंज आपको दिखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे टाइप की हिंजेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें हिंज होता क्या है। हिंज इज फिक्सचर विच हेल्प्स द डोर टू रोटेट फ्रीली अलॉन्ग इट्स एक्सिस। ठीक है, तो फिक्सचर, ये एक फिक्सचर है। ठीक है, एक फिक्सचर है, हिंज इज ए फिक्सचर। ठीक है, विच हेल्प्स द डोर टू रोटेट फ्रीली, मतलब डोर को हेल्प करता है कि डोर रोटेट करे फ्रीली अलॉन्ग इट्स एक्सिस पे। ठीक है, अपने एक्सिस पे फ्रीली रोटेट करे। मान लो हम वर्टिकली डोर को सेट करते हैं, तो यहाँ पे हिंजेस लगाई होती हैं ताकि जो डोर होगा वो हमारे पास फ्रीली मूव करे। ठीक है, ऐसे क्लोज करना हो, ऐसे क्लोज हो और खुल जाए। ठीक है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हिंजेस आर देर विच आर एज फॉलोज। बहुत सारे टाइप की हिंजेस हमारे पास हैं। फर्स्ट टाइप के हिंज की अगर हम बात करें वो है बट हिंज। ठीक है, बट हिंज की हम बात करें तो इस तरीके की आपको हिंज दिखने को मिल जाती है। तो ये आपने में भी पहले भी देखी होगी, तो आप इसको देख सकते हैं बट हिंज को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसमें बट हिंज में, बट हिंज क्या होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिंज यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज। तो ये डोर्स में भी हिंज हम यूज करते हैं, विंडोज में भी यूज करते हैं। तो जो डोर्स वाली हिंज होते हैं वो थोड़े से साइज उसका बड़ा होता है, जो विंडोज की हिंजेस होती हैं उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इट हैज टू फ्लैंजेस मेड ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, तो इसमें दो फ्लैंजेस होती हैं, एक फ्लैंज ये है, एक फ्लैंज ये है। तो दो फ्लैंजेस होती हैं जो कास्ट आयरन से बनी होती है, मेड ऑफ द कास्ट आयरन या फिर स्टील से बनी होती है। वन फ्लैंज इज स्क्रूड टू द डोर एंड आर विंडो एंड अदर इज स्क्रूड टू द फ्रेम। एक फ्लैंज जो है डोर के साथ हम अटैच कर देते हैं, एक जो हिंज है वो उसको, सॉरी, एक जो फ्लैंज है उसको हम जो हमारे पास फ्रेम है उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, वन को हम किसके साथ अटैच करते हैं, सिक्यू करते हैं डोर के साथ, और दूसरे को हम सिक्यू करते हैं फ्रेम के साथ। ठीक है, तो आपको बट हिंज के बारे में पता चल गया होगा, हिंजेस क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगी, फिक्स्चर्स एंड फास्टनिंग के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टाइप की हिंजेस देखेंगे। हिंजेस के बाद हम देखने वाले हैं टॉपिक बोल्ट्स क्या होता है, हैंडल्स क्या होता है, लॉक्स क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सके। नेक्स्ट टाइप की हिंज की बात हम करें तो वो हमारे पास होती है बैक फ्लैप हिंज। ठीक है, अब बैक फ्लैप हिंज क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही है बैक फ्लैप हिंज किस तरह कैसे जैसी होती है, तो इसकी हम बात करें। दिस आर सिमिलर टू बट हिंजेस। ठीक है, तो ये सिमिलर है बट हिंज की तरह ही है ये, जैसे कि हमने पीछे देखी। एंड यूज फॉर थिन डोर्स। ठीक है, जहाँ पे थिन डोर्स होंगे वहां पे हम इसको यूज करते हैं थिन डोर्स में। बैक फ्लैप हिंजेस हैव वाइड फ्लैंजेस देन बट हिंजेस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होती है बैक फ्लैप हिंजेस, ठीक है, बैक फ्लैप हिंजेस वाइड फ्लैंजेस। ठीक है, इसमें जो फ्लैंजेस होती हैं उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होती है, जैसे कि ये विड्थ जो है इसमें ज्यादा आपको दिख रही होगी, ये वाली विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास है बैक फ्लैप हिंज। दे आर फिक्स्ड टू द बैक साइड ऑफ द डोर एंड फ्रेम। ठीक है, इसको हम फिक्स करते हैं बैक साइड ऑफ द डोर और फ्रेम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बैक फ्लैप हिंज के बारे में।
नेक्स्ट टाइप की हमारे पास हिंज है काउंटर फ्लैप हिंज। अगर हम काउंटर फ्लैप हिंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काउंटर फ्लैप हिंज। दिस हिंज हैज टू सेंटर्स, ठीक है, दो सेंटर्स इसमें होते हैं इस हिंज में, ये जैसे कि एक सेंटर ये है एक सेंटर ये है, एंड दिस कैन बी फोल्डेड बैक टू बैक, ठीक है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं बैक टू बैक, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हिंज की टाइप आपको दिख रही है, आगे हम और भी हिंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पार्लियामेंट्री हिंज, ठीक है। पार्लियामेंट्री हिंज के बारे में अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री हिंज कैसी होती है, तो ये हमारे पास पिक्चर है इसकी, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी हम बात करें, व्हेन द ओपनिंग इज वेरी स्मॉल एंड नैरो, ठीक है, जब हमारे पास जो ओपनिंग हो वेरी स्मॉल हो या फिर वेरी नैरो हो, देन इट इज बेटर टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री हिंजेस, ठीक है। तो उसमें हम पार्लियामेंट्री हिंजेस का यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हिंज होती है, टू प्रोवाइड मोर स्पेस ऑफ ओपनिंग एज वेल एज टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन व्हाइल मूविंग फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर को भी मूव करना हो तो वो भी इजी हो जाता है इस टाइप की हिंज में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की हिंज हमारे पास है स्प्रिंग हिंज। अगर स्प्रिंग हिंज की अगर हम बात करें, स्प्रिंग हिंज क्या होती है, स्प्रिंग हिंज, तो ये हमारे पास स्प्रिंग हिंज है, इसकी हम बात करें, स्प्रिंग हिंजेस आर यूज्ड फॉर ए स्विंगिंग डोर्स, ठीक है, स्विंगिंग डोर्स में इसका यूज होता है, तो स्विंग करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं। द डोर इज क्लोज ऑटोमेटिकली ड्यू टू द स्प्रिंग एक्शन इन दिस केस, तो इसके अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से जो ऑटोमेटिकली डोर क्लोज होते हैं तो वो स्प्रिंग की हेल्प से ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, ठीक है। द डोर इज क्लोज ऑटोमेटिकली, डोर इज क्लोज ऑटोमेटिकली ड्यू टू द स्प्रिंग एक्शन, ठीक है। स्प्रिंग हिंजेस आर अवेलेबल एज ए सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग स्प्रिंग हिंजेस, तो हमारे पास सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग स्प्रिंग हिंजेस जो है अवेलेबल हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। इस अंदर ये जो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग होता है जो क्या करता है, डोर को ऑटोमेटिकली क्लोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप की हिंज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है राइजिंग बट हिंज, ठीक है। राइजिंग बट हिंज हमारे पास क्या होती है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पिक्चर भी दी है राइजिंग बट हिंज की, ये आप देख सकते हैं, इसे आपको समझ में आ जाएगा और राइजिंग बट हिंज क्या होती है। तो इसमें अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन देखें, इट इज सिमिलर टू द नॉर्मल बट जॉइंट, ठीक है, ये सिमिलर होती है किसके जैसी, नॉर्मल बट जॉइंट की तरह, ठीक है। बट इट हैज ए हेलिकल निकल जॉइंट, ठीक है, इसमें हेलिकल निकल जॉइंट होता है, ये आप देख सकते हैं हेलिकल निकल जॉइंट होता है, दिस इज ए हेलिकल निकल जॉइंट इन बिटवीन द फ्लैंजेस विद हेल्प द डोर टू रेज वर्टिकली अपवर्ड व्हेन ओपन, ठीक है। दिस इज यूजफुल फॉर द रूम्स हैविंग कार्पेट्स एटसेट्रा, द रेज मे बी 10 mm, ठीक है। तो मतलब इसको हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, जैसे कि हमारे पास है जहाँ पे कारपेट वगैरह बिछाना होता है घर में, तो वहां पे हमें डोर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ सकता है किसी भी टाइम पे, तो वो हम 10 mm दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं इस टाइप की हिंज की हेल्प से, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं राइजिंग बट हिंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की हिंज हमारे पास है गार्नेट हिंज। अगर हम गार्नेट हिंज की बात करें तो गार्नेट हिंज हमारे पास क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी पिक्चर आपको देखने को मिल जा रही है कि गार्नेट हिंज कैसी है। इट हैज टी डब्ल्यू डिफरेंट शेप्स हिंजेस, ठीक है, टू डिफरेंट शेप हिंजेस इसमें हमारे पास होती हैं। वन इज ऑफ लॉन्ग आर्म, ये टू है TWO2, ठीक है। इट हैज टू डिफरेंट शेप्स शेप्ड हिंजेस, वन इज ऑफ लॉन्ग आर्म शेप्ड, एक जो होती है लॉन्ग आर्म शेप्ड की तरह होती है विच इज फिक्स्ड टू द डोर, एंड अनदर इज ऑफ प्लेट शेप्ड, अनदर क्या होती है, एक प्लेट शेप की होती है विच इज फिक्स्ड टू द फ्रेम, प्लेट की शेप की तरह होती है जो फिक्स होती है फ्रेम के साथ, जैसे कि ये फ्रेम है, ये प्लेट की तरह है, ये आपको दिख रही है और ये आपको दिख रही है आपको लॉन्ग आर्म की शेप की तरह, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हिंज इज यूज्ड इन बैटेंड और लेज्ड डोर्स, ठीक है, बैटेंड और लेज्ड डोर में इसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास हिंज होती है स्ट्रैप हिंज। अगर हम स्ट्रैप हिंज की बात करें तो स्ट्रैप हिंज किस तरीके की होती है, इस तरीके की यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल रही है, तो इस तरीके की हमारे पास स्ट्रैप हिंज होती है। इसकी अगर हम बात करें,
It is also used for buttoned and latched doors and windows. ठीक है, बटन लेज्ड डोर्स और विंडोज में इसका यूज करते हैं. इट हैज टू लॉन्ग आर्म, दो लॉन्ग आर्म होते हैं, जैसे कि एक लॉन्ग आर्म ये है, एक लॉन्ग आर्म ये आपको दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पिन हिंज. अगर हम पिन हिंज की बात करें, हमारे पास पिन हिंज क्या होता है, तो यहाँ पे पिन हिंज की भी आपके पास यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ हिंज कंसिस्ट टू फ्लेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्लेंजेस हैं, एक फ्लेंज ये है, ठीक है, फ्लेंज नंबर वन, एक फ्लेंज ये है, दूसरी फ्लेंज. ठीक है, तो टू फ्लेंजेस से ये बना होता है हमारे पास पिन हिंज, विच आर जॉइंटेड बाय ए पिन. ठीक है, तो ये ज्वाइंट होते हैं एक पिन के साथ, ये पिन है हमारे पास. ठीक है, इफ द पिन इज रिमूव्ड देन वी कैन सेपरेट द हिंजेस फ्लेंजेस, सॉरी वी कैन सेपरेट द फ्लेंजेस. अगर पिन को यहां से हम रिमूव कर लेते हैं, तो ये जो फ्लेंज है इसको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ये फ्लेंज जो है अलग निकल जाएगी इससे. ठीक है, दिस इज जनरली यूज फॉर अ हैवी डोर्स. ठीक है, तो हैवी डोर्स में इसका यूज करते हैं हम पिन हिंज का. टू फ्लेंजेस आर सेपरेटली फिक्सड टू द डोर और फ्रेम. ठीक है, तो इसको सेपरेटली फिक्स किया जाता है, मान लो इसको डोर पे अलग से फिक्स किया जाता है, इसको अलग पे फिक्स किया जाता है, उसके बाद ये हम इसमें जो पिन है वो डालते हैं, तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की हिंज हमारे पास है नॉर्मडी हिंज. नॉर्मडी हिंज हमारे पास कैसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर हैवी डोर्स. ठीक है, तो हैवी डोर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, बट इट कंसिस्ट ऑनली वन फ्लेंज. तो इसमें ऑनली वन फ्लेंज होती है. ठीक है, ये एक ही फ्लेंज इसमें है, विच इज फिक्सड टू द डोर, डोर के साथ जो फिक्स होती है हमारे पास. पिन इज फिक्सड टू द फ्रेम टू विच फ्लेंज इज अटैच्ड व्हेनेवर इज नीडेड. ठीक है, तो इस तरीके की ये हिंज आपको देखने को मिल जाती है. ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बोल्ट्स के बारे में, बोल्ट्स क्या होता है, इसके बाद और भी आगे टॉपिक देखेंगे. ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स मिल सकें. थैंक यू.